बट इट्स एन ऑल डिफरेंट फॉर्मेट, लेकिन इस फॉर्मेट में भी वो जी किंग है। शायद भाई हम कल ऐसी टीम से मुकाबला करने जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जाता है 20-25 रन तो वो अपनी फील्डिंग से ही बचा लेते हैं, तो हमें ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा काउंट रखना है। गो के हमारी अपनी फील्डिंग जो है वो भी बड़ी अच्छी थी, लूप होल ज़्यादा नहीं थे, हम कैचिंग में बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब आप थे और इमरान नज़ीर, उनका तो मैं कैसे ना जिक्र करूं, ये शारजा में ना चीते थे और क्या बॉल पे लपकते थे, लेकिन उसके बाद फिर हमारी फील्डिंग बीच में इतनी अच्छी नहीं रही। देन केम अहमद शहजाद और उसके बाद के लाइक्स के अब तो हम बहुत फिटर प्लेयर्स हमारे पास हैं। तो इस एस्पेक्ट में मैं चाहूँगा बात करें, हम ऐसे टीम के साथ भिड़ने जा रहे हैं 20-25 रन का वो फील्डिंग से बचा के चलते हैं। देखें हमारा अभी फ़िलहाल नर्जी की बैटिंग आई एंड देन फिर हमारा मिडिल ऑर्डर माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ा, एक्सपीरियंस्ड भी है और साथ में कंडीशन भी उन्हीं की मतलब की है, कोई ऐसी उनकी बॉलिंग भी नहीं है न्यूजीलैंड की जो अबव 150 और 155 हो। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से इस पूरे इवेंट के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज, मैं दोबारा कहूँगा कि बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है, हमारी फील्डिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी 20-25 रन रुक जाना, आप रन आउट अच्छे कैचेस करते हो, आप फील्डिंग से मैचेस जितवा देती हैं टीमें, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इंशाल्लाह जो बॉडी लैंग्वेज हमारी इंडिया के ख़िलाफ़ थी उसी फ्रेम ऑफ माइंड से जाएं, अपनी इंडिया के जो अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उसको आप अकाउंट में डालें, लोगों ने तालियाँ भी बजाई, शाबाश भी दी, ख़ुद भी उन्होंने इंजॉय किया, उस परफॉर्मेंस को अगले मैच कल के लिए ना लेके जाएं, एक नए मैच के साथ जाएं। एब्सोल्युटली, बड़ी आम बात की शायद भाई, किस तरह आप लोग मैनेज करते थे ये कि एक तो होता है कि जी आप हार गए तो हारने के बाद आप कहते हैं कि जी हमने इसको साइडलाइन करना है और नेक्स्ट मैच के लिए देखना है, लेकिन कितना ही इंपॉर्टेंट है ये कि आप जीत गए हैं तो उसको अपने सर पे ना चढ़ने दें और दूसरी टीम को भी वैसे ही आप लें और जीत को जो है वो कैरी इस तरह करें कि सर पे ना लें बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से दिखाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यार इंटरनेशनल क्रिकेट में कोचिंग क्या है, कोचिंग यही कोचिंग है, आप प्लेयर्स को इसी तरह मोटिवेट करते हैं, आपके जो कप्तान होते हैं प्लेयर्स को इसी तरह मोटिवेट करते हैं कि यार बस हो गया, जीत गए, वाह वाह हो गई, दैट्स इट, ये मैच हमारे लिए जीतना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो कि यही हमारा वो कुछ अल्फाज ही होते हैं, कोई जाके शाहीन को दोबारा बॉलिंग नहीं सिखानी है किसी ने, उसको सिर्फ बताना है, उसके उसके दिमाग के साथ खेलना है, उसको खेलना है, उसको उसके शाहीन बन के उससे बात करनी है कि शाहीन बहुत अच्छा किया, वो हो गया, दैट्स इट। तो इसी तरह रिजवान, इसी तरह बाबर, तो चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यही है, कोचिंग क्या है, यही कोचिंग है।